एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। बस ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रूही फॉलो कर रही है अपनी माँ प्रिशा के नक्शे कदम। जैसे कि कोई भी परेशानी आती है, प्रिशा सिर्फ माता रानी का सहारा लेती है और हर परेशानी से बाहर निकलने के लिए वो माता रानी से प्रार्थना करते हुए नजर आती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर रूही भी आपको प्रे करते हुए नजर आने वाली है। वाले एक तरफ तो रूही है जिसे ये पता चल चुका है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, अभी भी सही सलामत है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही है। और जैसे ही प्रिशा के होने का अंदाज़ा रूही को हुआ है, तब से वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन परेशान नज़र आ रही है कि आखिर उसकी मामा उसे पहचान क्यों नहीं रही हैं। और इसीलिए रूही अपनी मामा को वापस लाने के लिए भगवान से मांगने वाली है मदद और भगवान के आगे जोड़ने वाली है हाथ, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रिशा कभी रुद्राक्ष के लिए तो कभी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हुई नजर आती है। अब आखिर भगवान यानी कि माता रानी कब सुनेंगी इस नन्ही सी जान के रिक्वेस्ट, ये देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फिलहाल तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।